उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहा मुख्तार अंसारी शनिवार की सुबह गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद स्थित पुश्तैनी कब्रिस्तान कालीबाग में खाक के सुपुर्द हो गया। जनाजे के बाद मिट्टी देने पहुंची भीड़ और धारा 144 लागू होने के कारण प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीमित लोगों को ही कब्रिस्तान के भीतर जाने देने की बात पर सांसद अफजाल अंसारी डीएम आरिका से उलझे तो वो भी कानून व्यवस्था और आचार संहिता का हवाला देकर सख्त हो गई। जनाजे में वरिष्ठ सपा नेताओं के साथ उनके समर्थक भी पहुंचे थे। कब्रिस्तान में मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक सीबकतुल्ला अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी, बेटा उमर अंसारी समेत दूसरे परिजनों के बाद रिश्तेदारों ने मिट्टी दी। इसके बाद उसे दफन कर दिया गया। चुनौती तो ये थी कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से आकर के जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई है इसमें शामिल हो जाएं, और इसके लिए हमने पूरे कस्बे में और आसपास के स्थानों पर डिप्लॉयमेंट कर रखा था और परिजनों से लगातार वार्ता करते रहे और परिजनों से संपर्क करके जो उनके धार्मिक रिचुअल से उनको पूर्ण कराते हुए शांतिपूर्ण ढंग से इस जो सुपुर्दे खाक की कार्रवाई है उसको संपर्क कराया। कितने लोगों की भीड़ रही साहब, भीड़ को कैसे कंट्रोल किया? भीड़ को देखिए, चूँकि ये काफ़ी जो मोहल्ला है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, आप लोग जानते हैं प्रत्येक घर में 20 से 25 लोग हैं, बड़े कई कई फैमिलियाँ हैं, तो जब ऐसी कोई कहीं की मृत्यु होती है, इंतकाल होता है किसी का, तो लोग आते हैं, संवेदनाएँ व्यक्त करते हैं। तो ग्रुप में लोग आए और जो अंतिम नमाज थी प्रिंस मैदान में वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ से जैसा कि परिजनों से वार्ता की गई थी, लगभग 50-60 लोग जो कब्रिस्तान था वहाँ पर जाने के लिए बात हुई थी, तो उतने ही लोग गए और सब लोगों ने उसमें शामिल किया। अब सुपुर्दे खाक के बाद मिट्टी उट्टी देने के लिए जो 2-4 नियर एंड डियर्स उनके जो परिजन हैं जिनकी अनुमति घर वाले दे रहे हैं वो अपना ग्रुप में आ करके मिट्टी की कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी सभी लोगों का डिस्पर्सल का कार्य हो रहा है। पहली बार जो जनाजे के साथ लोग आए तो काफ़ी भीड़ आई, लेकिन घर वालों को ही पहली बार में जाने दिया गया, कुछ ऐसा भी था? घर वालों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था 50 से 60 जो हमारे नियरेस्ट लोग हैं वही जाएंगे, तो उनको रोक करके बाकी लोगों को रोक करके उन्हीं लोगों को उनके साथ जाने दिया गया। बाकी लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया क्योंकि रात से ही जब से डेड बॉडी आई है तब से लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, आ रहे हैं घरों से, आते हैं, मिलते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। यहाँ पे जो जनाजे का दफन होना था वो सकुशल हो गया है और परिजन अब अपना मिट्टी देके और वापस काफ़ी लोग लौट गए हैं, बाकी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। शांति व्यवस्था बना कर रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। सब सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है और सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, चूँकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 दोनों है तो उसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे समर्थक दूर से आए, उनसे क्या अपील करेंगे मैम, किस तरह का जो समर्थक आए थे नारेबाजी वगैरह कर रहे थे? नहीं देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए, जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिस जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है उसके विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। नहीं, इसका जो धार्मिक तरीका होता है, पहले घर पे जनाजा आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया, उसके बाद जनाजे की नमाज हुई और फिर यहाँ इस हाते में जो पुरखों के कब्रिस्तान है यहाँ पे दफन हुए। फातिहा हो चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, ओवर क्राउड हो जाने की वजह से कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खैरियत से हो गया। जो समर्थक आए थे उनको क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, वो सब मट्टी आज दे लें, कल दे लें, जब चाहे आके फातिहा पढ़ लें, मजार पे मट्टी डालने और फातिहा पढ़ने से कौन सी रोक है, लेकिन एक बार एक साथ जाके हुल्लड़बाजी ये मुनासिब नहीं है।